वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 7 ऑर्डिनरी ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.2। हमने एक्सरसाइज 7.1 में देखा था कि हम किस डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने इसमें देखा था कि इसकी डिस्टेंस कैसे बताएंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब देखो, अब इसके हमें डिस्टेंस बता दिया। अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, अगर इस लाइन को कोई इस पार्ट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो किस रेशियो में इस लाइन को काटती है, वो हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो हमारे रेशियो होते हैं क्या m1 और m2, मतलब कौन से रेशियो में वो काटेगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर ये होता है हमारा क्या सेक्शन फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं क्या सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारे दो कोई पॉइंट है x1 y1 x2 y2 ये और m1 m2, ठीक है। तो इससे हम अपना क्या फाइंड कर सकते हैं, हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, मान लो कोई लाइन है और इसे बिल्कुल मिड पॉइंट से काट रही है, तो हम इसकी मिड पॉइंट बताएंगे कैसे। देखो x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, इन तीनों फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, पॉज द वी नोटेड डाउन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लो कोई लाइन है और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको किस कौन से रेशियो काटती है, रेशियो हमारा 3:1 पे कट करती है, 4, -3 दे रखा है इसे और इसे 8, 5। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं कौन से इसमें काटती रेशियो दे रखा है। अब देखो हमें पता है फॉर्मूला, ये हो गया हमारा x1, ये y1, x2, y2, m1 और ये m2, ठीक है। बस लगा लो समय फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस और इस कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको इसमें कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई क्योंकि ये थोड़ा अजीब है। अब देखो m1 क्या है हमारे पास 3 इंटू x2 है 8, m2 1 x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब m1 भाई हमारा 3, y2 5 प्लस m2 1, y1 -3 अपॉन 3 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 4 15 -3 अपॉन 4 ये हो गया 28 अपॉन 4 कॉमा 12 अपॉन 4। क्या आ गया ये आ गया हमारा 7 कॉमा 3, जिसके कोऑर्डिनेट्स
क्या आ गया हमारे पास 7.3। पॉज इन नोटेड डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 8 पे। देखो आपको इन सभी एग्जांपलों में आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए कॉमा ए और बी। देखो हमें कहिए एक लाइन दे रखी है। लाइन क्या है? ए और बी। जो पॉइंट है उसे ट्राई सेक्शन मतलब तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं एक लाइन को, 2, -2 और ये -7.4। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स। जो कैसे बताएंगे? सबसे पहली बात, ये भी ट्राई सेक्शन में कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास? AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ये तीनों आपस में लाइनें क्या होंगी? इक्वल होगी, AP, PQ और QB, क्योंकि ट्राई सेक्शन में कर रहे हैं। अब देखो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ निकालते हैं किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ P के। कैसे निकालेंगे? द रेशियो भी 1:2। क्यों? ये हमारा कितना है? 1 पार्ट है, ठीक है, और ये 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 1:2। बस हम ना भाई लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, m1 है ये, m2 है ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? m1 1 into फिर x2 हमारे पास -2 है। एक बार चेक कर लें, सॉरी ये -7 है, ठीक है, -7 प्लस m2 2 into 2 अपॉन 1 plus 2 कॉमा 1 into y2 क्या है? 4 प्लस m2 2 into -2 अपॉन 1 plus 2 -7 plus 4 3 4 minus 4 upon 3 क्या आया? -3/3, 0/3 x, y इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 0 क्योंकि कोऑर्डिनेट -1, 0। देखो चेक करते हैं आंसर इसके लिए। देखो -1, 0। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इसके क्यू के, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है। कैसे भाई? लेट द रेशियो बी, अब क्या हो जाएगा कैसे? देखो इधर कितने पार्ट्स हैं? 2, इधर 1, 4, 2:1 वैसे निकालेंगे जैसे हमने इसे निकाला था। अब देखो यहाँ जब हमारा ये चेंज हुआ बाकी सब सेम है, m1 हमारा क्या हो गया? 2 और m2 क्या हो गया? 1। तो हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, जहाँ 1 है हम वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 1 रख देंगे फ्रंट वाले में। 2 into -7 ठीक है प्लस 1 into 2 अपॉन 2 plus 1 फिर 2 into 4 प्लस 1 into -2 अपॉन 2 plus 1। अब निकालेंगे किसके? क्यू के पॉइंट निकालना है यहाँ पर। 7 to 14 प्लस 2 3 आ गया, 4 to 8 -2 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इससे माइनस हो गया है 12, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस डिजिट पड़ी है, अपॉन 3, 6/3 क्या आया? -4.2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके? क्यू के। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है हमारे पास? -4.2 और पी के कोऑर्डिनेट्स -1.0, ठीक है। पॉज एंड नोट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 9 पे। इसमें देखो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइंस सेगमेंट जॉइन। अब देखो मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, किसने क्या कही है कि हमारे पास इस लाइन पे काट दिया है, तो मतलब एक्स क्या हो जाएगी हमारी?
यहाँ पर y एक्सिस पर जो जाएगी जीरो, हमने आपको बताया था अगर y एक्सिस क्या है तो जीरो, अगर x एक्सिस क्या है तो y जीरो। तो ये लाइन क्या है, अब देखो ये लाइन है हमारे पास, ठीक है आपको समझ गया, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर जीरो। तो ये लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट्स 5, -6 और बी के -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इस पॉइंट क्या फाइंड करना है, इसका रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है। एक्स जीरो है, क्या लगाते हैं हम, लेट द रेशियो बी के रेशियो वन, हमने के रेशियो मान लिया, हम इसे एक्स रेशियो वन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसके रेशियो बताना और ये कोऑर्डिनेट भी बताना है, ठीक है। अब देखो एक्स जीरो है, x कॉमा वाई क्या होता है, y फॉर्मूला लगाएंगे अपना m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। x क्या है पर जीरो और y में निकालनी है, m1 रेशियो में ये माना है कि k इंटू एक्स टू, एक्स टू माइनस वन, तो माइनस के चलो करके निकालते हैं आपको पूरे अच्छे से, k इंटू माइनस वन प्लस एम टू वन इंटू एक्स वन फाइव k प्लस वन, फिर k इंटू वाई टू क्या हमारे पास -4 एम टू वन और ये -6 k प्लस वन माइनस के प्लस फाइव अपॉन k प्लस वन और ये क्या आया -4k -6 on k+1, ठीक है। ये है 0, y। अब देखो इसके इसको इसके साथ इसको इसके साथ अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू k की वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो k प्लस फाइव अपॉन k प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये -4k -6 upon k+1 = y, क्या है इसकी वैल्यू, -k+5 = 0, ये भी 0 हो गया उधर जाके और -k = -5, k की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 5। अब इस k की वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं, -4 × 5 - 6 5+1 = y, -20 और -6 -26 और ये हो जाएगा जाएगा 6y, ठीक है ठीक है। y का टू क्या आ गया -26 upon 6 मतलब 13 upon 2 सॉरी 3 2 जा और 2, ठीक है। y आ गया हमारे पास 13 upon 3, ठीक है। अब देखो रेशियो आ गया हमारे पास क्या, k की वैल्यू आ गई 5, तो रेशियो बी 5:1 और x की वैल्यू 0 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए 0, 13/3, ठीक है। पॉज हैव नोटेड डाउन। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 10 पर, जो क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी डी दिए हुए हैं और एक पैरोग्राम है, हमें इसमें p की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो आपको इसके प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पहली बात तो क्या होती है इसके जो डायगनल होते हैं क्या हो सकते हैं बाइसेक करते हैं ए की जगह, ठीक है। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, तो ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा, लिख सकते हैं हम ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो हम इसमें मिड पॉइंट कौन लगा के दोनों को इक्वल करके रख सकते हैं, कैसे रखेंगे ए सी को बी डी के, ठीक है। अब देखो इसके पहले मिड पॉइंट क्या होगा, हमने पढ़ा था x2 + x1 upon 2 y2 + y1 upon 2, इसी फॉर्मूले को हम अपने इसमें बनाएंगे। पहले ए सी के लिए इसका मिड पॉइंट क्या होगा 9 + 6 upon 2 और फिर 4 + 1 upon 2,
इक्वल अब विधि के लिए पी प्लस एट अपॉन टू और थ्री प्लस टू अपॉन टू, नाइन सिक्स फिफ्टीन अपॉन टू फाइव अपॉन टू इक्वल पी प्लस एट अपॉन टू फाइव अपॉन टू। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तो हमारे एक दूसरे के इक्वल ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 अपॉन 2 इक्वल टू पी प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब हमें पीक वैल्यू निकालनी है ना, इसे इधर ले आएंगे, 15 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू पी प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल, 15 इधर माइनस 8 पी। ठीक है, पीक वैल्यू क्या आ गई, 5 टू 7 पीक वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं इसके एक्सरसाइज 7.2 पर। ठीक है, कॉस वैल्यू नोटेड डाउन।